आज मेरे पास मौजूद हैं दो अदद तस्वीरें। आज हम पाकिस्तान के अवाम को ये पिक्चर्स दिखाएंगे और जानेंगे क्या आप इन दोनों शख्सियात को जानती हैं। ये एक ट्रू लीडर है। मुझे लग रहा है कि मेरे बुरे अमाल का ये नतीजा है और मेरे बाएं हाथ में पकड़ाया गया है। मैं तो खुशी से नाच रही थी पेट्रोल पे। खान साहब जी नेशनल हीरो हैं और शबाज शरीफ साहब जो हैं वो डैशिंग हैं। ओह नो, आपको पता है कि ज्यादातर लड़कियां इमरान खान साहब की फैन हैं, उनसे मरती हैं। भाई मैं तो लड़का हूं, मैं तो नहीं मरता। इन साहब की यही काम है, अभी तक इन्होंने वोट बैंक के अलावा और कुछ नहीं बनाया। इमरान खान साहब के साथ हैं। खान साहब आप आए और हम आपका साथ देंगे। तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है मेरे पास यार, दुनिया की डिक्शनरी खत्म हो जाएगी। पठान है उनका अपना स्वैग है, सलवार कमीज उत्ते वेस्ट कोट यार, हम कुड़ियों को तो अट्रैक्ट करती है ये चीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सना अमजद और आज मेरे पास मौजूद हैं दो अदद तस्वीरें। आपको तो पता चल गया होगा कि तस्वीरें किन की हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के अवाम को ये पिक्चर्स दिखाएंगे और जानेंगे कि वो इन दोनों शख्सियात को किन अल्फाज से जानती हैं और किसके बारे में क्या राय रखती हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली नवाब। अली नवाब, मेरे हाथ में इस वक्त ये दो फोटोज हैं, आप भी देखें और हमारी पब्लिक भी देखे, आप इन दोनों के बारे में क्या राय रखते हैं, इन दोनों को किन अल्फाज से जानते हैं वो हम और हमारी आवाम जानना चाहती है। खान साहब जो हैं, मुझे जहाँ तक मेरी राय है वो ये है कि ये खान साहब जी नेशनल हीरो हैं, मुझे पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डैशिंग हैं। डैशिंग है किस तरह से? इनका जो चाल ढाल है ना, मुझे बहुत पसंद है। क्या आप इन दोनों शख्सियात को जानती हैं और अगर जानती हैं तो किन अल्फाज में जानती हैं? मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये तस्वीरें पकड़ लें और आवाम को भी दिखाएं और बताएं कि किसके बारे में क्या जानती हैं और किसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। कैमरे की तरफ कर लें ये पिक्चर्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस शख्सियत के बारे में बोलूँगी कि ये एक ट्रू लीडर है और आज के दौर में अगर कोई पाकिस्तान के लिए खुददारी की डिमांड कर रहा है या खुददारी का परचम लेके खड़ा है तो वो है इमरान खान साहब। और ये जनाब जो हैं, इनको मैंने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ, मुझे लग रहा है कि मेरे बुरे अमाल का ये नतीजा है और मेरे बाएं हाथ में पकड़ाया गया है। ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जो इमरान खान साहब हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर और ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्या कहना है आपका इन दोनों के बारे में, कैसे लीडर हैं ये? ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका हमने पिछला दौर भी देखा जब ये वज़ारत आला थे पंजाब में, तो इनकी हार्ड वर्किंग नज़र आई इस पंजाब के लिए, इन्होंने हार्ड वर्किंग की इस मुल्क पूरे पंजाब के लिए। ये उम्मीद है अगर ये 5 साल इनको पूरे अगर मिलते हैं, नेक्स्ट हुकूमत मिलती है, ये उम्मीद की जा सकती है कि ये मुल्क के लिए बेहतरी हो सकती है। इन दोनों के बारे में आप क्या रखते राय रखते हैं और इनको किन अल्फाज में जानते हैं? ये जो उनसे साहब हैं, इनकी बात करेंगे हम। सब कुछ लूट के जा रहा है, अपना वोट बैंक बनाने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं हमने, आवाम को बेवकूफ़ बनाना। इन साहब की यही काम है, अभी तक इन्होंने वोट बैंक के अलावा और कुछ नहीं बनाया, मुल्क को डुबाने में एक अहम किरदार अदा किया उन्होंने। अब बात करते हैं हम इनकी, पहले हीरो आए जो पाकिस्तान में, जो पॉलिटिशियन है, जो कि हमें समझ में आया कि शायद तो कोई पाकिस्तान के नैया डूबती नैया को पार करवा सकते हैं। कौन है ये लीडर? क्या कहूँ, कोई तारीफ के लिए लफ्ज़ नहीं है मेरे पास यार, दुनिया की डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगी। आपने इन दोनों के बारे में बताना है कि आप इन दोनों को किस तरह और किन अल्फाज में जानती हैं। इनके लिए दुनिया की डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे पास लफ्ज़ नहीं मिलेंगे, मुझे इनके लिए वो लफ्ज़ है और इनके लिए डिक्शनरी ना ही मिले तो बेहतर है। इमरान खान साहब में वो बात नहीं थी जो इनमें नज़र आ रही है आपको? उनमें भी है लेकिन ज़्यादा इनमें है। आपको पता है कि ज़्यादातर लड़कियाँ इमरान खान साहब की फ़ैन हैं, उनसे मरती हैं। भाई मैं तो लड़का हूँ, मैं तो नहीं मरता। आप मर नहीं सकती लेकिन मर सकते हैं। नहीं बस मुझे जिंदा ही रहने दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो खजाना, जो जमा पूंजी हमारे पास छोड़ कर गए थे, शहबाज शरीफ ने आते ही वो सारी मलिया मेट भी कर दी है ना? नहीं वो बात अब ठीक है, इसके जो इमरान खान की कुछ क्वालिटी, हर बंदे की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। ये एक जो जिस तरह इसने अदर कंट्रीज में पाकिस्तान का जो है मोटिव जो है ना वो लड़ा, इस तरह कश्मीर था, इस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बोलने वाला लीडर, ये इसके भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसकी जो साथ मुआशी टीम थी ना वो ढीली ठीक थी। अच्छा है, उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं,
उसको काम नहीं करने दिया स्टार्टिंग में, जो जितनी उसके साथ माफिया थी दूसरी, फिर मजबूरन एक ऐसी सीट पर उसको काम करना पड़ा जो जिस तरीके ने साहब को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, वो अच्छा ले इस तरह की जिस तरह उसके साथ आ जाए, मुझे उम्मीद है की जा सकती है। अगर इमरान खान को देखना चाहते हैं तो वो भी मुल्क के लिए एक अच्छा होगा। क्या वजह है दोनों के लिए इतने एक्सट्रीम बयानात क्यों, इतने एक्सट्रीम बयानात क्यों? ये सारी दुनिया जानती है कि इन पर किस किस्म के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इनसे तब से मैं इनसे डिसहार्ट हुई थी। मैं पहले नून लीगी थी, मैं पहले नून लीग को सपोर्ट करती थी, मेरी फैमिली भी नून लीग को सपोर्ट करती थी, लेकिन इनसे तब वो जब जैनब का केस आया था, बिल्कुल याद है, इन जब माइक आया था इनके सामने तो इन्होंने उसके फादर के आगे से माइक हटा दिया, तब से आपका शहबाज शरीफ से दिल उठ गया और आपने न्यू लीग को अलाफिस कह दिया, अलाफिस टाटा बाय बाय खत्म। और इमरान खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब के बारे में ये कहूँगी कि दलेर है, उसके पास हिम्मत है आंखें दिखाने की भी और खड़े होने की भी। अगर हम लोग किसी भी मीटिंग में देखे ना तो ये जाके यूं खड़े होते हैं, यूं नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। That's the reason. क्या वजह है शहबाज शरीफ के लिए इतना गुस्सा और इमरान खान साहब के लिए इतनी मोहब्बत? दोनों चीज़ें अपोजिट साइड पे हैं और दोनों एक्सट्रीम लेवल पर हैं। देखिए जी, मोहब्बत और आपने क्या कहा कि नफरत, मुझे किसी से ना तो मोहब्बत है ना मुझे किसी से नफरत है। पर्सनली मुझे किसी के साथ कोई भी इशू नहीं है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इज्जत किसने बढ़ाई, पाकिस्तान की रिफॉर्म्स किसने अच्छी की? इन्होंने तो आते ही नैब का इदारा ही बंद कर दिया एक तरह से। आप अब करप्शन करें और बाद में 5 साल के बाद आपको कोई पूछने के लायक नहीं है। मैं तो अपनी आवाम से ये भी कहूँगी कि आप करप्शन करें, राज्य राज्य के करें, जितनी ज्यादा आपकी करप्शन होगी उतना बड़ा आपका ओहदा होगा पाकिस्तान में। सही। अच्छा, इमरान खान जब थे तो आवाम कहती थी कि हमने गलती कर दी इमरान खान साहब को लाकर, अवाम ने कहा कि इमरान खान साहब ने बहुत महंगाई कर दी है। शहबाज शरीफ के आने के बाद अवाम अब और ज्यादा रो रही है, पछता रही है, दोनों हाथों से पीट रही है खुद को। क्या कहेंगी? पहले एक हाथ से पीटते थे, अब दोनों हाथ इस काम के लिए यूज होने लगे। अब ये खुद मानते कि इमरान खान ने सौदे सस्ते दिए, इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता दिया, इमरान खान ने फलानी चीज सस्ती दे दी। और भाई जब आप लोग अब मान रहे हो तो महंगाई मुकाम मार किस खाला को खुश करने के लिए आपने स्टार्ट किया था? अब पेट्रोल सस्ता हो गया है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, 60 रुपीज पूरा सस्ता हो गया। मैं तो खुशी से नाच रही थी पेट्रोल पे कि यार अब ज्यादा सही हो गया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पहले पीटीआई वालों की लाल हुई थी, अब दोनों की लाल हो गई है। मेट्रो बनानी बाहर से कर्जे लेके, उसके बाद हमने ऑरेंज ट्रेन बनानी बाहर से कर्जे लेके, और वो कर्जा पूरा ना होने की सूरत में हम अपने टैक्सेस अदा करते हैं। जब हम गरीब अब हमको पता नहीं कि महंगाई कैसे होती है। इन इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये गौर से देखे शहबाज शरीफ साहब को, इनको देखें आप। ये जब बाहर से लेके आते हैं, अब आपको लैपटॉप देते हैं, वालदन कहते हैं वाह बल्ले बल्ले हो गई साढ़े मुंडिया, उन्होंने लैपटॉप दे दिए। ये नहीं पता कि वोट बैंक बना रहे, अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। कि जब अवाम पूछे क्या किया, लैपटॉप दिए बाहर से कर्जा लेके, वो कर्जा कैसे अदा होता है? हमारा खून नहीं छोड़ कर वो कर्जा दे रहे होते हैं, कैसे भला? जब आप कर्जा दे रहे खून में आपका पेट्रोल महंगा करते, जब आप कर्जा नहीं दिया जाता तो बाहर से पेट्रोल आई एम एफ शरायत रखता कि भाई पेट्रोल महंगा करो तो हम आपको कर्जा देंगे। आए थे तो आपको पता कि बुराई ज्यादातर पहले जब सच्चाई के ऊपर बुराई चढ़ती है ना, तो इसका मतलब ये कि सच्चाई और ज्यादा जोर से आने वाली आगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, इमरान खान साहब के साथ हैं। खान साहब आप आए और हम आपका साथ देंगे, इंशाल्लाह आप दोबारा आएंगे और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर मनवा कर जाएंगे आप, जैसे कि पहले 3.5 सालों में आप मनवा चुके थे। सही। अच्छा अली नवाब, मुझे बताएं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अवाम बड़ी परेशान थी, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, पेट्रोल जो है 150 रुपए लीटर पे चला गया, पेट्रोल 210 पे चला गया। मुझे ये बताएं इतना बड़ा गैप आ गया 60 रुपए का, क्या कहेंगे? हालात किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के? हालात बस ढूंढते जा रहे हैं, फिर बस कुछ जादू ही होगा तो मोर्चा हो जाएगा, इसके अलावा कोई हाल नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब महंगाई होती है ना तो कम नहीं होती, ये मजीद बढ़ेगी महंगाई। कोई भी आ जाए उसको, इस सीट पे मैं भी आ जाऊँ आप भी आ जाएं तो ये कंट्रोल नहीं हम कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हमें इसी इंटरव्यू के दौरान कि शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जब वो आते हैं तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई लीडर आया है ड्यू टू हिज प्रोटोकॉल, क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो पंजाबी है भाई, पठान है, उनका अपना स्वैग है, सलवार कमीज उत्ते वेस्ट कोट, यार हम कुड़ियों को तो अट्रैक्ट करती है ये चीज, हमको कहाँ पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है, हमें ये पेंट कोट अट्रैक्ट करेगी? यार मैं पकड़ना नहीं चाहती। आपकी बातों ने तो ये हमें बता दिया है वाजिया तौर पर कि आप इस वक्त किस पार्टी को, किस लीडर को सपोर्ट कर रही हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी
तो आवाम ने बड़ा हवेला मचाया था, महंगाई होगी, पेट्रोल 150 पे चला गया, अब पेट्रोल 201 पर खड़ा है। क्या लगता है महंगाई की नौयत और कितनी शिद्दत इख्तियार करने वाली है? पहली बात तो इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, आलमी सतह पर महंगाई हो रही है यार, हर जगह महंगाई है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रही, हर जगह हो रही है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। वो अलग बात, उनके पास पीछे कोई खजाना नहीं था कि वो आवाम पर लगाते, तो आवाम से ही ले रहे थे थोड़ी बहुत महंगाई करके, ठीक है। अब बर्दाश्त करो भाई, शहबाज शरीफ आ गए, 280 होना है 15 तारीख तक, बर्दाश्त करो। इमरान खान साहब ने जो खजाना जमा किया था टैक्सेस की मद की सूरत में और महंगाई जो थोड़ी बहुत करके, शहबाज शरीफ ने आते ही छू मंदर कर दिया, क्या कहेंगी? खजाना खाली है भाई, खजाना चला गया। आई थिंक हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है ना, वो इन्हीं को सपोर्ट कर रही है और वो ट्रू लीडर्स को ही सपोर्ट करेगी। आवाम बहुत परेशान है इस वक्त। आवाम परेशान नहीं है, आवाम अफसोस कर रही है कि हम उम्मीद लगाते हैं, उम्मीदों से वो परेशान हो रही है। लेकिन नहीं तो आवाम वैसे ही घूम रही है बाजारों में भी, रश वैसे ही है, खाना पीना कोई नहीं बंद करता। ये वक्त का तकाजा है महंगाई, आनों से 100 की 10 रुपए में आए, आनों से 1 रुपए में आए हो ना, 1 रुपए में आए हो सही, तो 1 रुपए से 100 रुपए भी जाना है, ये वक्त का तकाजा है महंगाई। थैंक यू सो मच जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी आवाम की राय शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब के हवाले से। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आप इनको किन अल्फाज में जानते और पहचानते हैं। इसी के साथ हमें इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।